दिवसीय अनशन की का क्रम रखा गया है, उसमें आज चौथा दिन है और आज मजदूरों का विषय लिया गया है। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ साथी हैं जो मजदूरी का काम करते हैं, ये दैनिक मजदूर हैं। इसमें से कुछ जो है वो पत्थर के सिल बट्टे बनाने का काम करते हैं, जिनके नेता ये सुरेश भाई हमारे बगल में बैठे हैं, ये अपने समुदाय के भी जो है प्रमुख हैं। और दूसरा इसमें आरिफ भाई हैं, इनके साथ जो समुदाय है वो ढोलक बनाने का काम करता है। और ये दोनों ही लोग साइकिलों पे अपना अपना सामान लाद के पत्थर का सिल बट्टा या ढोलक ये पूरे इलाके में बेचते हैं और इस तरह से इनकी आजीविका चलती है। तो ये सरकार, वैसे तो सभी को मालूम है कि सरकार से मजदूरों को ज्यादा सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन अभी हमने तालाबंदी के समय में देखा कि गांव-गांव से जो मजदूर जाके बड़े शहरों में काम करते हैं वो जब अपने घर लौट रहे थे तो उस समय सरकार उनके प्रति एकदम संवेदनहीन रही। लोगों को पैदल साइकिल चला के ट्रकों के ऊपर चढ़ के जानवरों की तरह इस तरह से आना पड़ा। शुरू में सरकार ने ना तो रेल चलाई ना बसें चलाई और ऐसा दृश्य पूरी दुनिया में और कहीं नहीं देखा गया। यानी भारत में जिस तरह से मजदूरों की हालत खराब की है सरकार ने, वैसा कहीं नहीं। और जब मजदूर बेचारा सड़क पे चल रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि लोग अपनी बालकनी में खड़े होके ताली बजाए और बर्तन बजाए। तो हमारे प्रधानमंत्री को कल्पना ही नहीं है कि भाई बालकनी में तो वही खड़ा होगा जिसका घर होगा ना, और जिसका घर ही नहीं होगा जो रोड पे है वो कौन सी बालकनी में खड़ा होकर अपना बर्तन बजाएगा, अपना पेट बजा लिए। तो ये बात जो तालाबंदी के समय में हुई बहुत मजदूर विरोधी है कि कई राज्यों ने, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था लेकिन शुरुआत गुजरात से हुई, उन्होंने ये कहा कि जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं अब वो 8-9 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करें। और कानून ये कहता है कि अगर आप 8 घंटे से ऊपर काम करते हैं तो आपको जितनी मजदूरी मिलती है उसकी दुगनी मिलेगी। लेकिन गुजरात में सरकार ने कहा कि नहीं, दुगनी नहीं मिलेगी, वही मजदूरी मिलेगी जो 8 घंटे के दौरान मिलती है, काम के घंटे 12 होंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया है और कहा है कि ये जीने के अधिकार के खिलाफ है। भाई इंसान है तो वो सम्मानजनक तरीके से जिएगा, आप उससे जानवर की तरह थोड़े ना काम करा सकते और दास बना के गुलाम बना के थोड़े ना काम कर सकते कि आप उसको सही मजदूरी भी ना दें। और जो सबसे आपत्तिजनक बात है कि देश में 44 कानून थे मजदूरों के लिए केंद्र सरकार के, दिल्ली की सरकार के, और राज्य सरकारों के कानून भी 100 से ऊपर थे मजदूरों के लिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारे कानून खत्म कर दिए मजदूरों के। उसकी मजदूरी की गारंटी, उसको सुरक्षा की गारंटी, उसके स्वास्थ्य की जो गारंटी, जो उसको भविष्य निधि वगैरह मिलता है, ये सब, और ये सारा कुछ हटा के सिर्फ 4 कोड लेके आई। वो कह रही है कि अब ये 4 कोड हैं, कोड मतलब आप समझिए कि कुछ संहिता, कि हम कुछ नियम बना रहे हैं और उसी के अनुसार मजदूरों को सुविधा मिलेगी। तो ये जो प्रवासी मजदूर हैं इनके बारे में तो फिर भी कुछ है, लेकिन जो राज्य के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाके कोई काम कर रहा है, जैसे कोई बलिया से आके लखनऊ में मजदूरी कर रहा है, उसके लिए कोई बात नहीं है। और इन्होंने कहा है सामाजिक सुरक्षा उसी को मिलेगी जहां कम से कम 10 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। और अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं और उसमें 10 से ज्यादा मजदूर लगे हैं तो उनको कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। और भविष्य निधि आपको तभी मिलेगी जब 20 से ज्यादा मजदूर वहां पे काम कर रहे हैं। 250 से ज्यादा मजदूर होंगे तभी कोई सुरक्षा की बात होगी, मतलब 250 से कम मजदूर कहीं काम कर रहे हैं तो उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी सरकार की नहीं। और 300 से ज्यादा मजदूर होंगे तभी आपको कहीं से सरकार से अनुमति लेनी है अगर किसी मजदूर को निकालना है, और 300 से कम मजदूर है तो हम
को रख सकते हैं मनमाने हमारे सामने कितने ऐसे मामले आते हैं जिसमें हरदोई से, सीतापुर से, उन्नाव से कोई लखनऊ काम करने आया, किसी के घर में काम कर रहा है और 4 साल 10 साल काम किया, उसको सिर्फ खाना मिल जाता है, थोड़ा बहुत अपना दैनिक खर्च मिल जाता है और मालिक कहता है कि हम तुम्हारी तनख्वाह जोड़ के रख रहे हैं और वो तनख्वाह बाद में देता ही नहीं। तो ये जो मजदूरों का अधिकार का हनन होता है, इसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर पे बैठे हैं और ये बहुत शर्म की बात है कि 4 कोड आ गए हैं। मजदूरी का कोड पिछले साल आ गया था, अभी 3 कोड इस संसद के सत्र में आए हैं जिसमें सामाजिक सुरक्षा के ऊपर है और एक औद्योगिक संबंध के ऊपर है कि जो मजदूर यूनियन वगैरह बनाने की बात है उसमें भी अधिकार अब कम कर दिए गए हैं और इसके अलावा एक कार्यस्थल पे सुरक्षा और स्वास्थ्य का कोड है। लेकिन इन सभी कोडों में पहले से जो कानून बने हुए थे उसमें से मजदूरों के अधिकार कम किए गए हैं और जो मालिक है, जो मिल का मालिक है, जो पूंजीपति है, अब उसके लिए ज्यादा आसान हो गया है मजदूर का शोषण करना। तो हमारा मानना है कि ये सरकार मजदूर विरोधी है और वैसे तो पहले की सरकारों ने भी मजदूरों पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो भी उसके लिए सुरक्षा थी वो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कम कर रही है और हम इसका विरोध करते हैं। और हमारा मानना है कि चाहे कोई भी मजदूर हो, चाहे वो घर बनाने वाला मजदूर हो, चाहे वो घर के अंदर काम करने वाली महिला हो जो घर में खाना बनाती है, झाड़ू पोछा करती है, चाहे वो हमारे सुरेश भाई, अशोक भाई जैसे लोग, चाहे आरिफ भाई जैसे लोग जो साइकिल पे घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं, ऐसे सारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं इनको इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, इनको सभी किस्म की सुरक्षा मिलनी चाहिए, इनके आय की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी है जो कमाई नहीं कर पा रहा है, सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान होना चाहिए, उसको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, यानी कि वो बूढ़ा हो जाए तो कम से कम उसको पेंशन मिले जैसे सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, और उसको अगर काम करते समय अगर उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमारे मुन्ना लाल जी हैं, एक दिन वो अपना 2 पहिया व्हीकल ले जा रहे थे और ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि उसके बाद वो कई दिनों तक काम ही नहीं कर पाए। और एक ख्वाहिश है हमारे पत्थर ढोलक वाले में, उनका एक्सीडेंट हो गया तो वो कई महीनों काम नहीं कर पाए। तो कोई भी मजदूर है अगर उसका कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका इलाज सरकार के खर्च पे हो, जब तक वो काम करने की स्थिति में नहीं है तब तक उसको सरकार उसको बेरोजगारी भत्ता दे। अगर औरत है, औरत जो है अगर गर्भवती हो गई है, तो जैसे आप सरकारी नौकरी में अगर कोई औरत गर्भवती हो गई तो उसको घर बैठ के तनख्वाह मिलती है जब तक उसको बच्चा ना हो जाए और उसके बाद भी 6 महीने। तो उसी तरह से अगर घर बनाने का काम कर रही है, वो गर्भवती हो जाती है, तो उसको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए कि जब तक उसके पेट में बच्चा है और बच्चा हुआ है उसके कुछ महीनों में वो अगर काम ना भी करे तो उसको मजदूरी ठेकेदार से मिलनी चाहिए। तो ये सारी मांगे हैं कि किसी भी मजदूर को सम्मान के साथ निर्देश है। ऐसा नहीं है कि यहाँ अंबानी साहब को ज्यादा सुविधा मिलेगी और कोई दैनिक मजदूरी कम करने वाले काम करने वाले को कम मिलेगी। तो सारे मजदूरों को सम्मानजनक तरीके से जीने का मौका मिले, उनको सम्मानजनक उनकी आय हो, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार ले और उनको रहने के लिए आवास जहां भी वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 12 बंकी से आया है तो वो झुग्गी डाल के कहीं रह रहा है और अपना काम कर रहा है। जैसे कोई भी बाहर का आदमी आके लखनऊ में जिसके पास पैसा हो वो अपना घर खरीद सकता है और वो किसी गेस्ट हाउस में रह सकता है। भाई कोई भी पैसे वाला आदमी होगा उसको अगर बाहर से आना है लखनऊ तो वहाँ ये किसी सरकारी गैर सरकारी गेस्ट हाउस में जाके रहेगा। तो इसी तरह से जब मजदूर बाहर से आता है सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच से, और अगर उसे लखनऊ में कुछ महीने रह के अपना काम करना है
तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे तो रैन बसेरे हैं, लेकिन रैन बसेरों में भी ठीक से व्यवस्था नहीं है। वहां पे लोग एक एक अवधि से ज्यादा नहीं रह सकते, और शायद इस तरह का भी कुछ है कि आप लगातार कुछ दिन नहीं रह सकते। तो ऐसी व्यवस्था हो कि अगर कोई आके कुछ महीनों, अपने काम के महीनों यहाँ रहना चाहे, तो परिवार के साथ आके रह सके, अपना खाना वाना बना सके, या उनके लिए खाने की कैंटीन की व्यवस्था हो। जैसे कई जगह लोग 10 रुपए में, कई राज्यों में, तमिलनाडु में 5 रुपए में नाश्ता और 10 रुपए में खाने की बहुत बढ़िया इंतजाम सरकार की तरफ से है, जिसको अम्मा रसोई कहते हैं। कहने को तो हमारे अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ने भी शुरू किया था, लेकिन हमारे लगता, मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी मजदूर को 10 रुपए में कहीं कोई खाना मिलता। तो अगर बाकी राज्यों में मजदूरों के खाने के लिए, अच्छा खाने के लिए व्यवस्था है कम पैसे में, तो वो व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। तो ये सारे अधिकारों की मांग हम लोग कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि हमारे मजदूर भाइयों में से कोई कुछ बोलना चाहे तो वो अपनी बात रखे। देखिए, सरकार से मेरी यही मांग है कि मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूंजी बढ़ा के पूंजी दी जाए, कि वो 200-300 रुपए में अगर मजदूरी कर रहे हैं 300 रुपए की पूरे दिन भर की, तो 300 रुपए में क्या वो खाएंगे और क्या बच्चों को पढ़ाएंगे और क्या वो अपने जीवन अपना जिलाएंगे? और 300 रुपए में कोई बीमार मरीज हो जाता मजदूर, तो 200-250 रुपए दवा चले जाती है, और खाने पीने का वो 100-150-200 रुपया खाने पीने में चला जाता, उनका कोई पैसा मजदूरों का बचते नहीं है। हम लोगों का 1 रुपया बचता नहीं। जितना अगर 300 पाते हैं तो 300 रुपया शाम को खत्म, खाना लाए, राशन लाए, अपना बच्चे को 10-5 रुपया दे दिए, कुछ बीमार हो गए उसमें सब लग गया, और रोज तो बीमार होना, इतनी मेहनत करते हैं, पैर हाथों में दर्द, अपना रोज दवा लाना। तो सरकार से मेरी मांग यही है कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए और काम करने के लिए बैंक से अगर सरकार गरीब लोन ले भी लेता है तो वो बहुत दिक्कत में रहता है, और उसके चिंता ही मारे डाल है कि उसको लोन देना है, ऐसा लोन दे कि गरीब को ज्यादा लोन दे, तो उसमें ये है कि एकदम ज्यादा समय पर लिया जाए पैसा गरीबों से, ब्याज ना लिया जाए, ब्याज तो कोई कीमत पर लिया ही नहीं जाए। अगर 50,000 रुपया मजदूरों को मिले तो कम से कम 5 साल में अदाई हो, इतना कर दे सरकार तो ज्यादा बेहतर है, कम से कम लोग जी लेंगे गरीब लोग। ये है मेरी, सुनना पड़ेगा, हम इंसान हैं, हम भी वो भी इंसान हैं। ये वो वोट देता है, हम भी वोट देते हैं, ऐसा नहीं कि एक वोट हम एक डालते हैं वो चार डालता है अपने हाथों, बराबर की सुविधा है। तो इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से ये कहते हुए कि हमें इस देश में मजदूर के लिए वही सम्मान, नौकरी किसान को मिला, मजदूर और किसान दोनों को, कल मैंने किसानों की बात की थी, क्योंकि ये वो वर्ग है जो देश की अर्थव्यवस्था चलाता है। अगर ये मजदूर काम करना बंद कर देगा तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। भाई, मशीन चलाने के लिए भी आपको आदमी चाहिए, तो पूंजीपति थोड़ी ना आगे मशीन चलाएगा।
तो जो मेहनत करने वाला आदमी है, जो भोजन पैदा कर रहा है, जो अनाज पैदा कर रहा है, सब्जी पैदा कर रहा है, जो हमारी जरूरत की चीजों को पैदा कर रहा है, जिससे हमारी जो दैनिक जरूरतें हैं वो पूरी हो, उसका देश की प्रगति में हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद जिसको ये कहते हैं उसमें योगदान है, जिसमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जो घर में काम तो आदमी से ज्यादा करती हैं लेकिन उनको कोई मजदूरी नहीं मिलती। ये माना जाता है कि ये तो इनका काम है, तो अपने घर का काम करने के लिए भी हर एक महिला को एक निश्चित राशि मिलनी चाहिए। वो जैसे बेरोजगारी भत्ते का एक प्रावधान है कि जिसको काम नहीं है उसको कुछ दिया जाए, उसी तरह से तो काम का सम्मान हो और हर एक व्यक्ति सम्मानजनक ढंग से जी सके, कम से कम उसकी रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता आराम से पूरी हो, उसके लिए उसको संघर्ष न करना पड़े, उसके लिए उसको भीख न मांगनी पड़े। ये कितने शर्म की बात है कि अपने हर एक चौराहे पे आप चले जाएं लखनऊ में तो आपको छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते मिल जाएं। तो ऐसी नौबत क्यों आती है कि किसी को सड़क पे खड़े होकर भीख मांगना पड़े। सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसके पास खाने के लिए नहीं है उसको कम से कम रोटी कपड़ा मकान की जरूरत उसकी पूरी हो, इतना उसको भत्ता मिले। यही बातें मुझे।